तो दोस्तों फाइनली मार्केट में बीच इन कॉइन से रिलेटेड अच्छे प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो कॉइन इस समय 1.5 रुपए के आसपास चल रहा है उसके बारे में ही अच्छे खासे प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं कि ये कॉइन आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही कम से कम 20 से 30 रुपए तक जाता दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों के अंदर बीच इन कॉइन के इको सिस्टम में भी हमें कई सारी अपडेट्स देखने को मिली। इसकी कम्युनिटी में भी काफी सारे फॉलोअर्स यहाँ पर जुड़ते चले जा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप भी हमें देखने को मिली है, जिसके कारण बीच इन के प्राइस में भी एक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी हमें देखने को मिला था रिसेंट में। तो इन सारी चीजों के बारे में, इन सारी अपडेट्स के बारे में, इन सारे प्रेडिक्शंस के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वी चेन यानी कि वेट कॉइन के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ दिन मार्केट के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर तनाव भरे रहे और मार्केट में काफी सारे कॉइन्स का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा ही रहा है। लेकिन यहाँ पर वी चेन कॉइन के चार्ट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं जिस तरह से इसने डाउनफॉल दिखाया है, यहाँ पर अपट्रेंड भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिला है, जहाँ पर रिकवरी पूरी तरह से इस कॉइन ने करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ रिसेंट में केवल एक दिन पहले ही यहाँ पर वी चेन की एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली FITP के साथ। ये एक बहुत बड़ा इटालियन टेनिस फेडरेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इतने बड़े फेडरेशन के साथ जब ऑफलाइन लेवल पर जब यहाँ पर पार्टनरशिप की जाती है तो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हमें इसके इकोसिस्टम पर और हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी चेन न्यू पार्टनरशिप टू कनेक्ट फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड विद रिवॉल्यूशनरी फिजिटल्स। पार्टनरशिप्स की जहां तक बात की जाए तो काफी ज्यादा पार्टनरशिप हमें रेगुलर बेसिस पर कई बड़ी कंपनीज के साथ देखने को मिलती रहती है, लेकिन कोई भी बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। जहां पर वी चेन का इस बड़ी पार्टनरशिप के कारण भी हमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इसके प्राइस पर देखने को मिला था, जहां पर इसका प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर 0.1% से उठ चुका था। पिछले 7 दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 दिनों के अंदर इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 2.8% का ग्रोथ अपने प्राइस में दिखा दिया है। ईयरली अगर हम बात करें तो ये कॉइन काफी ज्यादा नीचे चल रहा है, ऑलमोस्ट 35% से इस कॉइन का ग्राफ नीचे आ चुका है। लेकिन प्रेडिक्शंस इस कॉइन के लिए काफी ज्यादा अच्छे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर AMB क्रिप्टो की रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने 2025 से लेकर तो 2030 के लिए बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस लगाए हैं। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये कहना है कि ये कॉइन आने वाले समय के अंदर ऑलमोस्ट 20 रुपीज को भी टच कर सकता है। रीजन यहाँ पर काफी सारे हैं, उसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम इस रिपोर्ट पर ध्यान दें तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कॉइन 2025 तक अगर मार्केट में बुल रन हमें देखने को नहीं मिलता है, किसी भी तरह की बड़ी बुल रैली हमें देखने को नहीं मिलती है, एक स्टेबल मार्केट अगर इसी तरह से चलता है तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये कॉइन 2025 तक ऑलमोस्ट हमें 0.22 यानी कि ऑलमोस्ट 17 रुपए को टच करता दिखाई देगा, वो भी बड़े आराम से। क्योंकि 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में बुल रन आएगा, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो भी इस कॉइन का प्राइस कम से कम इतना जाता तो दिखाई देगा ही। तो यहाँ पर 17 रुपए तक तो ये कॉइन 2025 तक आराम से चला ही जाएगा। लेकिन 2030 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2030 का जो इनका प्राइस प्रेडिक्शन है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट $0.79 का इन्होंने 2030 के लिए प्रेडिक्शन लगाया है। और यहाँ पर अगर हम रुपीज पर ध्यान दें तो रुपीज के हिसाब से ऑलमोस्ट 71 रुपीज को ये कॉइन आराम से टच करता दिखाई देगा अगले 10 से 15 सालों के अंदर। देखा जाए तो ये प्राइस प्रेडिक्शन काफी ज्यादा कम है अगर हम 2030 की बात करें, लेकिन 2025 का जो ये प्राइस प्रेडिक्शन लगाया गया है कि ऑलमोस्ट 17 रुपए तक या फिर 20 रुपए तक ये जाता दिखाई देगा, वो काफी ज्यादा यहाँ पर सटीक जाता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस कॉइन ने ग्रोथ दिखाई है, Web3 में कदम रखा है, मेटावर्स में हर तरह से यहाँ पर ये कॉइन ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से यहाँ पर एक ग्रीन इकोसिस्टम को ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी यहाँ पर इस कॉइन को और ज्यादा रिवॉल्यूशनरी बनाता जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर एफ स्ट्रीट की रिपोर्ट के हिसाब से रिसेंटली इन्होंने एक प्रेडिक्शन लगाया है कि 30% की यहाँ पर रैली हमें देखने को मिल सकती है कुछ ही दिनों के अंदर। अब मार्केट की जिस तरह से पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर जो सिचुएशन जारी है उसको देखते हुए यहाँ पर कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये कॉइन किसी भी तरह की ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है तो कुछ भी यहाँ पर स्टेबल हमेशा के लिए नहीं हो सकता, यहाँ पर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते रहेंगे और हो सकता है 30% की हमें बुलिश रैली देखने को मिल सके आने वाले समय के अंदर। यहाँ पर इस रिपोर्ट के हिसाब से इनका कहना है कि एक बड़ी पार्टनरशिप के कारण ऐसा हो सकता है। साथ ही में यहाँ पर जो इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस निकाला है उस एनालिसिस के हिसाब से ऑलमोस्ट मिनिमम टू मिनिमम 30% की यहाँ पर हमें बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। इस ग्राफ पर अगर हम ध्यान दें तो इनके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लाइंस मीट होंगी, जिसके बाद ऑलमोस्ट 30% की रैली हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं वन इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से टॉप क्रिप्टो करेंसीज इन 2023 जिन्हें सबसे ज्यादा रियल वर्ल्ड अडॉप्शन मिला है वो है यहाँ पर एवलांचे, वी चेन और कैग बीस्ट।
ये तीन आज की डेट में ऐसे कॉइन्स हैं जिन्हें रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा अडॉप्शन मिला है। वी चेन को, एवलेंचे को, ये दो ऐसे कॉइन्स हैं जिनके बारे में काफी ज्यादा लोग इस समय जानना शुरू कर चुके हैं और काफी सारे लोग यहाँ पर इन कॉइन्स को एज अ पेमेंट के तौर पर भी एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में भी वी चेन का एक बहुत ही बड़ा रोल हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर काफी मास अडॉप्शन रियल वर्ल्ड में वी चेन का होता नजर आ रहा है, जो की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आने वाले समय के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा वी चेन के इकोसिस्टम के लिए। दूसरी तरफ वी चेन और पॉलीगॉन, ये दो ऐसे जो वेब थ्री के लिए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट साबित हो रहे हैं, काफी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन कॉइन्स की तरफ अट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं, इनके इकोसिस्टम की तरफ अट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं और मार्केट में एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यही कहना है कि पॉलीगॉन और वी चेन कॉइन, ये दोनों ऐसे कॉइन्स होंगे आने वाले बुल रन के अंदर जो बहुत ही बड़ी बुल रैली दिखाते नजर आ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, आराम से ये कॉइन बुल रन आने पर 75 रुपीज को टच कर देगा, लेकिन जो कुछ महीनों के यहाँ पर प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये कॉइन ऑलमोस्ट 20 रुपीज को आराम से पार कर लेगा। अब देखिए जो कॉइन यहाँ पर 1.5 रुपए के आसपास चल रहा है वो किस तरह से ऑलमोस्ट 30-40-50-60% की बुल रैली दिखाकर 20 रुपीज को यहाँ पर टच करता दिखाई दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है और अगर ये प्रेडिक्शन सच हो जाता है तो यहाँ पर कोई दो राय नहीं होगी कि बुल रन आने पर ये कॉइन आराम से 75 रुपीज को टच कर ले। तो इस समय जिन भी लोगों ने यहाँ पर वीचेन कॉइन में इन्वेस्ट किया है, आपसे मेरा यही सजेशन होगा कि अपने कॉइन्स को अभी भी होल्ड करिए, आपको वेट करना होगा सिर्फ बुल रन का और अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स पाना चाहते हैं तो आप और भी ज्यादा समय के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि और ज्यादा समय भी अगर आप रुकते हैं तो आपको और भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की अपडेट वीचेन कॉइन से रिलेटेड। होप आपको इस वीडियो ने वीचेन से रिलेटेड करंटली सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह के अपडेट्स देते रहते हैं। हमें सपोर्ट करिए ताकि हम जल्द से जल्द आगे बढ़ सके और इसी तरह के वीडियोज आपके लिए डेली बेसिस पर लाते रहें।